नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात गोल्ड पे और हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और आज एमसीएक्स पर 57,125 का ऑल टाइम हाई बना है। अभी भी 57 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है, 57 के ऊपर डर या गोल्ड नीडर? मृत्युंजय जी, काफी दिनों से बात हो रही है कि अब यहाँ से करेक्शन लेना चाहिए, लेकिन लिया नहीं और लगातार डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे फॉल आ रहा है। पहले 104 से नीचे, अब 102 से नीचे। जब तक ये डाउनसाइड बना रहेगा, गोल्ड में एक अपसाइड जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे रहना चाहिए। और मुझे अब लग रहा है कि 57,600 से 57,800 ये एक रेंज हो सकता है जिसको गोल्ड यहाँ पे अचीव कर सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि जो चार्ट है वो यहाँ पे अभी भी बुलिश सिग्नल दे रहा है, जबकि सिल्वर में एक करेक्शन जो है वो ड्यू है और वहां पे दिख भी रहा है कि वो करेक्शन टाइम टू टाइम यहाँ पे आ रहा है, लेकिन गोल्ड ने अभी तक फॉल का कोई क्लियर इंडिकेशन अभी तक नहीं दिया है। तो आप कह रही हैं गोल्ड में अभी गिरावट का कोई इंडिकेशन मिल नहीं रहा है, चांदी में क्या मिल रहा है इंडिकेशन, चांदी में क्या करें? चांदी में आज के दिन तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी आएगी, क्योंकि कल के फॉल को मतलब टिकाऊ नहीं था और वहां से एक अपसाइड आता हुआ हम लोगों ने देखा है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 68,350 का लेवल है जहां बाइंग करना चाहिए। 68,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 68,200 का होगा। इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो 70,000 से ऊपर टिकना भी चांदी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 67,500 तक प्राइसेस आ सकते हैं। तो इंट्राडे में बाय है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सेलिंग है जी। एल्युमिनियम पर वंदना जी मुझे क्या? हाँ जी जी, कंटिन्यू करें जी। हाँ बोले, एल्युमिनियम मुझे बाय लग रहा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि और स्ट्रेंथ आनी चाहिए इसमें, 226 पे बाय करना चाहिए, 228 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 225 का लगाना चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी होगी एल्युमिनियम पे। नेचुरल गैस पर कोई कॉल जी? ये एक अच्छी कमोडिटी है मृत्युंजय जी अभी खरीदने के लिए। फरवरी में एक लो लगेगा, फिर सीजनैलिटी एक बाइंग दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 227 पे बाइंग रिकमेंड करूंगी। 285 का टारगेट होगा, 265 का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है कि मेजर सपोर्ट 226 का है, उसके नीचे से ब्रीच नहीं करना चाहिए। ओके अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई एल्युमिनियम पे। नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा उठापटक का माहौल बना हुआ है, वहां पर कोई ट्रेड आप देख रही हैं इस वक्त एनजी में? जी, ऑप्शन का एक्सपायरी है परसों यहाँ पे नाइमेक्स में, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक वोलेटिलिटी है जो कि कंटिन्यू रह सकती है। 271 पे बाय करना चाहिए, 285 का टारगेट होगा, 265 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि टेक्निकली यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल जो है वो दिख रहा है, और ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म में 322 तक के टारगेट्स जो है वो यहाँ पे होने चाहिए। Okay, अब बात करते हैं एग्री मार्केट की, और एग्री में कैस्टर और ग्वार गम, ये दोनों काउंटर आपको ट्रेड के लिहाज से कैसे दिख रहा है? कैस्टर में बहुत फॉल यहाँ पे आया था, लेकिन अब एकरेज के हिसाब से भी यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव आना चाहिए, लोअर लेवल बाइंग होनी चाहिए। 7040 का एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग रिकमेंड करना चाह रही हूँ, 7150 का टारगेट रखना चाहिए, 7000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन गम में मुझे थोड़ी सी सेलिंग लग रही है, 13225 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 13000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 13300 का लगा के चल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म यहाँ पे मुझे लग रहा है सेलिंग प्रेशर आना चाहिए ग्वार काउंटर में। ओके, तो ये राय आपकी हो गई ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पर कि यहाँ पर आपको किस तरह का ट्रेड प्लान करना है। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।